हेलो व्यूअर्स, वेलकम। चलिए देखते हैं आज की हमारी रीडिंग। एक जनरल रीडिंग है, देखिए किसके लिए होती है, क्या कहते हैं व्यूअर्स को, क्या गाइडेंस दे रही है हमारी एंजल्स। आप लोग अपने कमेंट्स में हमें जरूर बताइएगा। चेक करते हैं क्या आ रही है आपकी एनर्जी। नाइन ऑफ स्वॉर्ड्स, जस्टिस का कार्ड आया है यहाँ पे। अगला नाइट ऑफ पेंटाकल्स, एंड स्ट्रेंथ। देखिए आज के लिए, आज की जो जनरल रीडिंग ये है कि आप जो है एक ऐसी परिस्थिति में है जो आप उस परिस्थिति का सामना नहीं करना चाह रहे। ऐसे आपको ऐसा लग रहा है कि बस मैं आंखें बंद कर लूं और सब कुछ ठीक हो जाएगा। देखिए ऐसा तो बिल्कुल नहीं होगा। आपको उस परेशानी को सामना करना पड़ेगा, क्योंकि किसी भी परेशानी का सामना किए बिना उसका रिजल्ट नहीं आता है। आपको अपनी आंखें बंद नहीं करनी है। आपके साथ पूरी तरह से न्याय होगा। जस्टिस का कार्ड आया है। ये एक जनरल रीडिंग है, तो जो लोग जिस चीज को सोच के इस रीडिंग को देखेंगे उनके साथ वैसे ही रहेगा। अगर वो अपनी लव लाइन को लेके सोच रहे हैं तो उनकी लव लाइन में जो है आपको आंखें बंद नहीं करनी है। आपने अपने अगर पार्टनर के साथ बात कर रहे हैं तो आपको उनको अपनी बात उनके आगे रखनी है, उनको समझाना है कि जो भी आपने चीज की है उस क्यों की है। ऐसे नहीं छोड़ देना कि जाओ मैं जो हो गया सो हो गया, अब तो मैं बात ही नहीं करूंगी। अगर तुम नहीं कर रहे तो मैं क्यों झुकूं। आपको अपने ईगो को पीछे रखना है। सेम एज ए प्रोफेशन, अगर आपके ऑफिस के रिलेटेड प्रॉब्लम आई है तो आपको अपने बॉस के आगे अपनी प्रॉब्लम को रखना है। यानी कि यहाँ पे ये दिखा रहे हैं कार्ड आपके लिए कि आज आपको चुप नहीं रहना, बड़े स्मूथली बड़े आराम से अपनी फीलिंग्स को दूसरे तक पहुंचाना है, क्योंकि आपका माहौल आगे पॉजिटिव है। आप अपने अंदर, आपके अंदर कंट्रोल की पावर है, अपनी चीजों को आप कंट्रोल कर रहे हैं। आपके अंदर जो गुस्सा है आपने उसको दबाया हुआ है, तो उस गुस्से को आपके गुस्सा अंदर आने की वजह भी यही है, क्योंकि आप अपनी बातों को कह नहीं पा रहे हैं, आप उन्हें अपनी बात समझा ही नहीं पा रहे हैं। तो आज के दिन आपको बहुत ही प्यार से अपनी बात को दूसरे को समझाना है, और जैसे ही आप अपनी बात अपने आगे रखेंगे दूसरे व्यक्ति के, वो आपकी बात को समझेगा और आपके लिए दिन अच्छा रहेगा। शुरुआत में दिन थोड़ा खराब है क्योंकि आप नेगेटिव हैं, डिप्रेसिव स्टेट में हैं, लेकिन जैसे ही आप अपनी बात दूसरे के आगे जाहिर करेंगे सारी परेशानी जो है दूर हो जाएगी और आपके लिए अच्छा समय शुरू हो जाएगा। थैंक यू व्यूअर्स।